हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सम नंबर 3 मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सीताराम और राधे श्याम एक फॉर्म में 7:5 घनश्याम को 1/6 भाग का साझेदार बनाया गया, जिससे 1/24 भाग सीताराम से एवं 1/8 भाग राधे श्याम से लिया गया। नया अनुपात निकालिए। सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एडमिट घनश्याम फॉर 1/6 ऑफ शेयर, हु टेक्स 1/24 ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम सीताराम एंड 1/8 ऑफ इट फ्रॉम राधेश्याम। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो ये सम है हमारा, इसमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर जो कि 1/6 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है फर्म में, उसका शेयर वो किस किस से किस रेशो में ले रहा है ये हमें ऑलरेडी सम में दिया है। 1/24th पार्ट जो है वो सीताराम से और 1/8th पार्ट जो है वो राधेश्याम से ले रहा है। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन द सम, देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। हमें सम में ऑलरेडी सेक्रीफाइस दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हम किस अकॉर्डिंग करेंगे देख लेते हैं। न्यू रेशियो ऑफ सीताराम, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सीताराम का, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। ओके, तो ओल्ड रेशो था उसका 7/12, इसमें से माइनस करेंगे हम उसका सेक्रीफाइस, दैट इज़ 1/24। तो हम एलसीएम ले लेंगे 24 एंड एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 12 2 ज़ा 24 2 4 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14। तो 14 और यहाँ पे -1 यानी 13/24, ये न्यू रेशो हो गया सीताराम का। नेक्स्ट इज़ न्यू रेशो ऑफ राधेश्याम। राधेश्याम का ओल्ड रेशो है 5/12, माइनस करेंगे उसका सेक्रीफाइस इसमें से, दैट इज़ 1/8, कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम के थ्रू। तो राधेश्याम का न्यू जो रेशो है वो आ जाएगा 7/24। रेशो ऑफ घनश्याम, घनश्याम का रेशो जो है वो है 1/6। अब देखिए सीताराम का हो गया रेशो 13/24, राधेश्याम का हो गया 7/24। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में सेम अमाउंट का इंटू कर देंगे, सो दैट डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाए। तो 6 4 ज़ा 24 होता है। ओके, तो हम अंश और हर दोनों में ही (4:4) कर देंगे। तो घनश्याम का फाइनल जो रेशो सॉरी पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4/24। तो न्यू रेशो ऑफ फर्म इज़ 13/24, 7/24 एंड 4/24। फाइनल रेशो हो जाएगा 13:7:4। ओके, तो ये है हमारा सम नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया है। आप कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिस करते रहें, ट्राई करते रहें। थैंक यू।